हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड हम विश करते हैं जो लोग यहाँ नवरात्रि में ट्रिप के लिए आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे और लाइफ टाइम मेमोरी बनाकर यहाँ से वो वापस जाएं। दोस्तों ये जो नज़ारे हैं 5 से 7 दिन पुराने हैं। अभी थोड़ा सा येलोइश आपको यहाँ पे दिखेगा पूरे कश्मीर में क्योंकि ऑटम का आगाज हो चुका है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के वेदर के बारे में बताया था, स्नोफॉल के बारे में भी बताया था कैसा स्नोफॉल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, कहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। ये आपके सामने सोनमर्ग के लेटेस्ट नज़ारे हैं दोस्तों, अराउंड 4 to 5 डेज पुराने ये नज़ारे हैं। अब जो लोग अक्टूबर में जा रहे हैं स्नोफॉल स्टार्ट होने से पहले पहले येलोइश आपको हर जगह यहाँ दिखेगी। ऑटम सीजन का जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग हो चुका है, अब से यहाँ हल्की हल्की येलोइश आपको लैंडस्केप दिखेगी जो कि ऑटम का कैरेक्टर है दोस्तों। एट लास्ट नवंबर दिसंबर में जब प्लेन्स पे भी स्नोफॉल होगी तब ये येलो लैंडस्केप व्हाइट लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही जैन फेब में जब श्रीनगर में भी स्नोफॉल होगी उसके भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। अगर उस टाइम आप आ रहे हैं तो कैसा वेदर आप श्रीनगर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही दूसरी जगह वो भी हम बात करेंगे। साथ ही इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं पूछ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आना सही रहेगा या फिर मार्च अप्रैल में या मई में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। डल लेक के लेटेस्ट नज़ारे आपके सामने, जितनी खूबसूरत ये जगह है उतना ही केयरफुल आपको यहाँ रहना पड़ता है, खासकर जब आप पीक डेट्स पे आ रहे हैं, नवरात्रि में आ रहे हैं, न्यू ईयर में आ रहे हैं या फिर मार्च अप्रैल में आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि यहीं से आपका ट्रिप स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपके होस्ट आपके ड्राइवर ईमानदार नहीं है तो काफ़ी अच्छे से आपकी जेब ढीली हो सकती है, इसलिए जो गाइड वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। और ये आपके सामने लास्ट ईयर दिसंबर की वीडियो है पहलगाम की, पहलगाम से अराउंड 15 किलोमीटर पहले की ये वीडियो है स्नोफॉल के दौरान। और ये आपके सामने इसी साल जनवरी की वीडियो है गुलमर्ग की, यहाँ पे दोस्तों फेब एंड तक अच्छी खासी स्नो मिलेगी गंडोला स्टेशन के आसपास, जितने भी होटल एरियाज हैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रेडियस में सारे स्नो से इसी तरह ढके मिलेंगे दोस्तों। इस तरह के माहौल में जब आपके चारों तरफ स्नो है दोस्तों तो यहाँ पे आपको अच्छे सेंट्रल हीटेड होटल्स ही चाहिए। बहुत सारे जो होटल्स से खुद को सेंट्रल हीटेड बताते हैं, 3 स्टार बताते हैं, बट रियलिटी में सभी होटल्स सेंट्रल हीटेड या 3 स्टार नहीं होते जैसा कि वो क्लेम करते हैं। इसी तरह सोनमर पहलगाम में भी अगर आप दिसंबर से लेकर फेब तक आ रहे हैं, फेब एंड तक आ रहे हैं, मार्च फर्स्ट वीक तक आ रहे हैं तो सेंट्रल हीटेड होटल्स चाहिए रहते हैं क्योंकि रात में माइनस में टेम्परेचर्स चले जाते हैं स्पेशली सोनमर्ग और गुलमर्ग में। यहाँ पे तो नवंबर मिड के बाद ही माइनस में स्टार्ट हो जाता है जाना। बहुत लोग जिन्हें पता नहीं है वो नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं गुलमर्ग सोनमर्ग और यहाँ पे गेस्ट हाउस सर्च कर रहे हैं या फिर नॉर्मल हीटिंग वाले होटल्स देख रहे हैं कम बजट वाले। ये आप जान लो कि अगर आप स्नोफॉल सीजन में आते हैं तो हीटिंग का खर्चा तो रहेगा दोस्तों और होटल्स के कॉस्ट भी ऊपर जाएंगे अगर आप अच्छे होटल्स में सेंट्रल हीटेड में रहते हैं। बहुत से टूरिस्ट हैं गलत होटल सेलेक्ट कर लेने की वजह से उन्हें वहाँ पे रिग्रेट करना पड़ता है, रात में नींद नहीं आती, बीमार पड़ जाते हैं। और यदि यहाँ पे आप बीमार पड़ते हो तो आपको लास्ट में श्रीनगर ही आना पड़ता है क्योंकि बाकी जगह उतने अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं दोस्तों, और इससे आपके हॉलीडेज स्पॉइल हो जाते हैं। तो गलत होटल सेलेक्ट करने से बचें। और ये आपके सामने जैन में जब क्लियर मौसम होगा, सनलाइट होगी, तो इस तरह का व्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुलमर्ग जाते समय। साथ ही ये भी आपको बता दें कि जो लोग स्नोफॉल के शौकीन हैं, हेवल देखना चाहते हैं, फेब एंड तक इवन मार्च तक वो जा सकते हैं। जितनी एडवेंचर होती है समय उतने ही मुश्किल हालात भी होते हैं क्योंकि जो गाड़ियां हैं आपके श्रीनगर वाले कैब से वो लास्ट तक नहीं जाती। सोनमर्ग भी जाना है तो अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले गाड़ियां रुक जाती है, वहां से चेन वाली गाड़ियां जाती है। गुलमर्ग भी जाना है तो तंगमर्ग से आपको चेन वाली गाड़ियां लेनी होती है, श्रीनगर वाले कैब्स वहीं रुक जाते हैं। अगर आपका नाइट स्टे है तो वहीं पे वो नाइट स्टे करते हैं, उनके लॉजेस बने होते हैं ड्राइवर्स के। तो इस तरह अगर आप हैवी स्नोफॉल सीजन में जा रहे हैं तो होटल्स के अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन पे भी एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट कहीं भी गाड़ी नहीं जाती, गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलते हैं कि चेन वाली गाड़ियां ही चलेंगी। प्रॉब्लम इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि कहीं पर भी श्रीनगर वाले जो ड्राइवर हैं आपको डायरेक्ट वहां पे चेन गाड़ियों के जो ड्राइवर्स होते हैं डायरेक्ट आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं कराता, हमेशा जो है बीच में
एजेंट्स आ जाते हैं, एजेंट्स की वजह से कॉस्ट बहुत ऊपर चला जाता है। कोई भी ड्राइवर आपको डायरेक्ट वहाँ दूसरे ड्राइवर से कनेक्ट नहीं कराता, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट कराएगा तो उसका कुछ वहाँ कमीशन नहीं बनता। और ये चीज़ पूरे कश्मीर में वैलिड है दोस्तों, चाहे आप चेन गाड़ियों की बात करें, लोकल कैब्स की बात करें, या फिर आप शॉपिंग कर रहे श्रीनगर में, शिकारा राइड कर रहे हैं, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपके जो ड्राइवर हैं, चाहे वो लोकल कैब वाले ड्राइवर क्यों ना हो, वो वहीं पर आपकी गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर उनका सेटिंग होता है, जहाँ पर आपसे 3 times 4 times ज़्यादा पैसे लेकर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। सिर्फ अवेयरनेस ही आपको इन सब बातों से बचा सकती है दोस्तों, इसलिए सारे वीडियोस देखें, सारे गाइड वीडियोस फॉलो करें, साथ ही टेलीग्राम पे भी जो समय समय पे अपडेट्स दिए जाते हैं, स्पेशली जो आने वाले स्नोफॉल सीजन में दिए जाएंगे, उनको आप अच्छे से फॉलो करें दोस्तों। और ये जब पहलगाम में स्नोफॉल होती है, इस तरह का जो है व्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो गाड़ियों को यहाँ पर रुकना भी पड़ता है जब तक कि वेदर थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए और रोड्स भी स्लिपरी नहीं रहे दोस्तों। इस तरह अगर आप हैवी स्नोफॉल सीजन नवंबर एंड से लेकर फेब एंड तक अगर आप आते हो, तो अप्रैल मई की तुलना में टूरिस्ट तो आपको कम मिलेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल्स के खर्चे जो हैं ऊपर चले जाते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आप मार्च एंड में आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं या मई में आ रहे हैं, तो अप्रैल एंड तक आप स्नो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुलमर्ग गंडोला स्टेशन के आसपास भी आपको स्नो मिलेगा। फेज़ 1 फेज़ 2 में तो मिलेगा ही, गंडोला स्टेशन के आसपास भी आपको थोड़ी बहुत स्नो मिल सकती है, मेनली फेज़ 1 पे ही मिलेगा आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक। लेकिन उस समय जो है पीक सीज़न होने की वजह से होटल के रेट्स काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, इवन दिसंबर जैन में जो हीटिंग लगाकर होटल के रेट्स होते हैं दोस्तों, उससे भी ऊपर चले जाते हैं। और इसी वजह से रश ज़्यादा होने की वजह से कैब्स की होर्डिंग होती है और कैब्स के भी रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये आपके सामने इसी साल जैन की श्रीनगर की वीडियो है, आप देख सकते हैं जब श्रीनगर में स्नोफॉल होती है जैन में फेब में, तो इस तरह का जो है सीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर एंड एंड में भी श्रीनगर में स्नोफॉल हो जाती है, बट जैन में तो फिक्स है श्रीनगर में स्नोफॉल होना ही है दोस्तों। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप हैवी स्नोफॉल सीज़न में आना चाहते हैं या फिर आप जब क्लाइमेट थोड़ी माइल्ड हो जाती है मार्च से अप्रैल से, तब आप आना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं नुकसान हैं। बहुत से जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, वो हमारे 1-to-1 गाइडेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे हम पर्सनल गाइडेंस बोलते हैं। एक सेपरेट ग्रुप भी रन कर रहे हैं दोस्तों, जिनमें वही लोग हैं, वही टूरिस्ट हैं जिन्हें हम पर्सनली गाइड कर रहे हैं। जब आप पहली बार हमसे कनेक्ट करते हैं अपने ट्रिप के बारे में जानने के लिए कि हमें कब जाना चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, तब से लेकर जब तक आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो जाती, हम आपके साथ बने रहते हैं। हमारे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी आपके नीड के हिसाब से आपके खिदमत में हाजिर रहते हैं दोस्तों। आइटनरी प्लानिंग से लेकर चाहे आपको ऑफ बीट लोकेशंस भी कवर करने हो, साथ ही आपके बजट और वेदर को देखते हुए जो भी सूटेबल होटल्स हैं वो हम आपको बुक करवाते हैं। आप खुद भी बुक कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और सभी बातों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कश्मीर में जिसके लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, चाहे वो कैब्स हो, चाहे चेन गाड़ियाँ हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, सारी बातों के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। साथ ही प्रॉपर रेट लिस्ट भी आपको दिया जाएगा जो हमारे कश्मीर गाइड डॉक्यूमेंट है, राइट फ्रॉम अराइवल टू डिपार्चर, सारी बातों को, एक एक बातों को उसमें बताया गया है। और हम पर्सनली भी इस पर डिस्कशन करते हैं हमारे सेपरेट ग्रुप पे। टूरिस्ट कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जब तक उनकी ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। तो क्लियर वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं कि आपकी कश्मीर ट्रिप स्टार्ट होने से काफ़ी पहले, जब आप जस्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से लेकर आपके कंप्लीट ट्रिप एंड होने तक हम आपके साथ बने रहते हैं। साथ ही जो टूरिस्ट जिन्हें हम पर्सनली गाइड कर रहे हैं, उनका एक सेपरेट ग्रुप भी रन कर रहा है, जिसमें डेली अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हो, कमिंग वेदर अपडेट्स हो, स्नोफॉल अपडेट्स हो, और भी जो ज़रूरी बातें हैं, जो मनी सेविंग ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो सब उसमें शेयर किए जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी रहती हैं जो पब्लिक पे आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे जो है यहाँ के जो डिसऑनेस्ट लोग हैं कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री का, उनका जो है यहाँ पे काफ़ी अटेंशन आ सकता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो सारी बातों को यहाँ पे लाएं। इसलिए उसके लिए रिटन डॉक्यूमेंट है, हमारा पर्सनल गाइडेंस है, जिसके थ्रू हम आपको अवेयर कराते हैं, क्योंकि इसमें हमारे टीम का काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए एक नॉमिनल अमाउंट इसके लिए रखा गया है। और दोस्तों, आज से ही नहीं, जब से हमारी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम रन कर रही है, तब से यही प्रोसेस है, अमाउंट में भी कोई चेंजेस नहीं है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, बिना डिस्क्रिप्शन देखे चेक किए एडवाइजेबल नहीं है कनेक्ट करना। पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, समझे बातों को, उसके बाद ही आप सेटिस्फाई होने के बाद आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
जनवरी में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरह का आप माहौल देख सकते हैं श्रीनगर में, इसलिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स रखने पड़ते हैं। पूरे कश्मीर में अगर आप दिसंबर जान में आ रहे हैं, एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो लोग नवरात्रि में कश्मीर विजिट कर रहे हैं, गुलमर्ग जो है दोस्तों 9:30 तक एनी हाउ आप स्टेशन पहुंच जाएं, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़े। याद रहे जो लाइन लगती है वो टिकट्स के लिए नहीं लगती, राइड के लिए लगती है। जो श्रीनगर कैब्स होते हैं वो डायरेक्ट गंडोला स्टेशन तक अलाउड नहीं है, गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड तक वो आते हैं, वहाँ से आपको अराउंड 20-25 मिनट्स लगते हैं स्टेशन पहुँचने के लिए। अगर आप पहले से हमें रिमाइंड करते हैं तो हम स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करके रखते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम जल्द ही न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।